आप देख सकते हैं कि बैरिगेट को नीचे फेंक दिया गया है पुल से, बैरिगेट को नीचे फेंक दिया गया है पुल से, और ये किसान जो हैं इतने एडामेंट हो चुके हैं कि पुलिस के बैरिगेट को पुल से नीचे फेंकना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं बैरिगेटिंग जो है वो टूटनी शुरू हो चुकी है और पुलिस भी मुस्तैद हो चुकी है। अंबाला पटियाला बॉर्डर की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जोर जोर से नारेबाजी और इसी के साथ हंगामा बरपा हुआ है दिल्ली के चारों तरफ। ये तस्वीरें इस वक्त किसान आंदोलन की तस्वीरें अंबाला पटियाला बॉर्डर की, जहां पर जोरदार हंगामा, ट्रकों में भरकर किसान। और आप ये तस्वीरें देखिए, इसमें आपको मास्क बहुत कम लोगों के चेहरे पर दिखेगा। जिस चीज का डर है वही तस्वीरें बार बार निकल कर आ रही है। अगर कुछ हल होता है, हमारा भी मीटिंग है, जो उसमें कोई हल होगा तो ठीक मीटिंग है। ये अभी 24 तारीख रखी हुई ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उठा देंगे। ये हम उस पर हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के, कनेडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल क्या कहेंगे है। इस आंदोलन के दौरान ही अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गेट पर जाकर खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा, ये धमकी दी गई है। पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तान ने क्या मोहरा बनाया है, खालिस्तान आंदोलन की तरफ से क्या मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है पंजाब और हरियाणा के किसानों को, क्योंकि उन्हीं के आंदोलन की आड़ ली जा रही है इस मुद्दे को एक बार फिर हवा देने के लिए। खालिस्तानी सिख फॉर जस्टिस का ने सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि हम झंडा फहराएंगे इंडिया गेट पर आकर। 26 नवंबर को इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने का आह्वान किया गया, हालांकि इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया।